अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। हफरल बातें से आया रियाद, वो वीडियो मैं नहीं डाल पाया। अभी रियाद से फिर हफरल बातें जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो चैनल पे आएगी। अभी हमारी तैयारी हो गई है, अभी हम निकलने वाले हैं आधा घंटा में रियाद से। मैंने तैयारी कर ली है पूरी, सारा सामान। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। ये बैग है, ये हमने पैक कर लिया है, पूरा एकदम रेडी कर लिया। ये चावल का बोरी है, ये और इधर भी पैक करके रखा हूँ। अभी निकलेंगे। सॉरी गाइस, पूरा कमरा खाली कर दिया। ये कैप इधर रह गई है, जिसको लेना जाने के टाइम। चलो तो भाई, फाइनली अब तैयारी हो गया निकलने का। चाबी ले लेता हूँ। अब ये चार्जर है, मोबाइल, यहाँ पे रख दिया चावल का बोरी। ये बैग है, और भी बैग लाता हूँ रूम से। उधर एक बंदा रहता है, अभी जाने के टाइम मुलाकात करूंगा। इधर बगल में रहता है एक दोस्त, वो ड्यूटी लग गया, जा नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे उनसे। ये बैग और रह गया है इधर, इसको भी निकाल देता हूँ। पहले इसको ही रख लेता हूँ। टोपी रह गया, इसको तो पहन लेता हूँ। पानी का बॉटल धर लेता हूँ, डाल लेता हूँ। कपिल के घर पे ये देखो फ्रूट फल दिया है खाने के लिए, जो गावा है, खा लिया हूँ मैं। अभी निकलूंगा इधर। ये पहाड़ देखे, इधर ऊंट चराते हैं इसके पीछे। ये इधर देखे गांव है, दिख रहा है नीचे। सब में ऊंट चरता, बकरी चराते हैं लोग। ये हरा भरा है, नजर आ रहा है ये जंगल। देखिए रास्ता में बारिश शुरू हो गई, बारिश पड़ रही है। हवा भी चल रहा है, पानी आ रहा है अंदर। रास्ते में बहुत तूफान था, पीछे वाइपर चला। ये देखिए नज़ारा शाम का। अभी यहाँ से 300 किलोमीटर बाकी है हफरल बातें। ये इधर गांव है, छोटा सा शहर है ये। फाइनली तो रियाद से हफरल बातें पहुंच गए हैं। रात में इतनी बारिश हो रही थी, तूफान हो रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और बना नहीं पाया। अभी सुबह का टाइम हो गया है, गाड़ी में बैठा हूँ, मदरसे के लिए चलेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।